सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आप देख रहे हैं ड्रंक कॉन्टैक्ट। मेरा नाम है अभिषेक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस वन प्लस 70 प्रो की अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशंस के बारे में बात करूँगा। तो चलिए अनबॉक्सिंग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो आपको एक ग्लास सैंडविच का डिज़ाइन देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। पीछे भी ग्लास का डिज़ाइन है, आगे तो ग्लास होता ही है। तो आपको बीच में एक मेटल की रेलिंग देखने को मिलती है, तो जिससे ही काफ़ी प्रीमियम फील होता है, क्योंकि इसके जो एजेस आप देखेंगे वो कर्व्ड एजेस दिए गए हैं, जैसे सैमसंग के एस सीरीज़ में जो देखने को मिलता है वैसे एजेस दिए हुए हैं। तो ये देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, और ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये काफ़ी फास्ट है, जैसा कि आप देख सकते हो। और मैं अगर इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो आपको HDR 10 सपोर्ट करने वाला एक QHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है आपके मीडिया कंजम्पशन के लिए। अगर आप Netflix, Amazon Prime या YouTube वीडियोस देखते हो तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये HDR प्लस सपोर्ट करता है। तो मैं अगर इसके कैमराज की बात करूँ तो यहाँ पे पीछे आपको ट्रिपल कैमराज का एक सेटअप देखने को मिलता है, और आगे वाले कैमरा की बात करूँ तो आपको ये एक पॉपअप कैमरा देखने को मिलता है। तो यही था इसके कैमरास के बारे में, और कैमरा शॉट के कुछ सैंपल मैं यहाँ पर डाल दूँगा, तो आप देख लीजिएगा कैसा आपको क्वालिटी मिलता है। और मैं इसके रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि बहुत ही फास्ट है। आप अगर 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं पिछले स्मार्टफोन में, तो अगर आप 90 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट है ये काफ़ी स्मूथ आपको एक्सपीरियंस देती है, क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी काफ़ी बढ़िया है। और चलिए बात करते हैं इसके OS के बारे में, जो कि ऑक्सीजन OS। तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी मतलब स्टॉक एंड्रॉयड से मिलता जुलता है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इसके आइकन्स वगैरह हो गए सब आपको स्टॉक एंड्रॉयड से बहुत ही मैच करते हैं। और आपको राइट साइड पे एक अलर्ट स्लाइडर के देखने को मिलता है, जिससे आप टॉगल करके इसे साइलेंट मोड या वाइब्रेशन मोड पर डाल सकते हो। इसके तीन मोड्स है, साइलेंट मोड, वाइब्रेशन मोड और एक रिंगिंग मोड। तो तीन मोड्स हैं इसके, तो आप तीनों में किसी के पे भी डाल के आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिल जाता है आपको, क्योंकि अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हो या क्लास में फ़ोन लेके जा रहे हो तो आप सीधे एक बटन से आप इसे मैनेज कर सकते हो कि आपको साइलेंट में रखना है कि वाइब्रेशन में। आपको फ़ोन ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर लगा मुझे। तो चलिए कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 855 प्लस चिपसेट देखने को मिलता है, और मेरे पास जो वेरिएंट है वो 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के पास है मेरे पास जो है। और आपको 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट इसमें डिस्प्ले में मिलती है। क्वाड HD प्लस रिजोल्यूशन है इसका, और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, मुझे तो मतलब बहुत ही स्टडी लग रहा है। और इसके जो कर्व्ड एजेस हैं इसके चलते ये और थोड़ा प्रीमियम लुक देता है इसको। और आप इसके रिजोल्यूशन को सेट कर सकते हो कि आपको क्वाड HD रखना है या फुल HD रखना है, और आप इसे ऑटो स्विच पे भी डाल सकते हो, जिससे ये अपने आप स्विच करते रहेगा बैटरी कंजम्पशन के को ध्यान में रख के। और आपकी आप इसके रिफ्रेश रेट को भी चेंज कर सकते हो, 90 हर्ट्ज़ पे रखना है या 60 हर्ट्ज़ पे। अगर आपको बैटरी ज़्यादा देर तक चलानी है तो आप इसे 60 हर्ट्ज़ पे रख सकते हो। और मेरे पास जो मॉडल है उसके ये स्पेसिफिकेशंस हैं। और अब अगर मैं कैमरास की बात करूँ तो आपको ट्रिपल कैमरास का सेटअप पीछे देखने को मिलता है, और जो प्राइमरी सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी कैमरा 16 मेगापिक्सल, और लास्ट वाला कैमरा है जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। और मैं अगर चार्जिंग की बात करूँ तो ये डैश चार्ज सपोर्ट करता है, जो कि आपको 30 मिनट्स में फुल डे का बैटरी लाइफ दे देता है। और मेरे हिसाब से एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन निकल के आता है। अगर आपको ऑफर में कोई 40,000 के अराउंड ये डिवाइस मिल जाता है
तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन होगा, क्योंकि इस रेंज में आपको वन प्लस एट देखने को मिलता है जो कि आपको फुल एचडी रिजोल्यूशन के साथ ही आता है। लेकिन अगर आपको क्वाड एचडी रिजोल्यूशन का फ़ोन चाहिए तो आपको वन प्लस 70 प्रो के साथ जाना चाहिए या 7 प्रो के साथ, क्योंकि अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो बहुत डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है आपको 855 प्लस और 865 में। और डिस्प्ले भी आपको अच्छी मिलती है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, आपको कोई नॉच नहीं मिलता है इस डिस्प्ले में। तो ये सब बातें अगर कंपेयर करूँ मैं तो मुझे एक वन प्लस एट से थोड़ा बेटर लगा ये फ़ोन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप HDR में भी एक्सट्रीम तक जा सकते हैं इसमें। तो मैं कलरफुल मोड पे एक्चुअली खेलता हूँ।
Making contact. You're taking the lead. Friendly hunter killer drone deployed. Friendly predator missile deployed. Contact with enemy. Changing mag. तो यही था गेमिंग परफॉर्मेंस। मैंने 3 गेम्स खेले, पबजी, एसफॉल्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी। तीनों ही बहुत अच्छे चले, कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स मुझे देखने को नहीं मिला। दैट्स इट गाइज, यही थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस। मुझे तो ये फ़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैं आपके लिए एक डिटेल्ड रिव्यू भी लेके आऊँगा इस डिवाइस का। तो अगर देखना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दो। तो दैट्स इट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।